हे गाइस, वेलकम टू मेरा जहां। ये हल्क वरियर सीरीज का लास्ट पार्ट है। अब तक हमने देखा लीडर, जो हल्क का काफी फेमस एनिमी है, एक गुप्त एजेंसी शैडो बैस से भाग जाता है और लग जाता है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा करने, हल्क को मारने। लेकिन इस बार वो ब्रूस बैनर पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि किले को टारगेट करके उसको एक गामा वायरस से इन्फेक्टेड कर देता है और बैनर को बहका देता है कि वेपन एच हल्क की पावर वाला एक किलर है। कुछ इसी तरह से डॉक्टर एल्बा वुल्वरीन को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है। काफी कन्फ्लिक्ट के बाद लीडर और डॉक्टर एल्बा एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह काफी फाइट के बाद किले हल्क और वुल्वरीन के साथ शांति बना लेता है और तीनों पहुंच जाते हैं सीक्रेट सेफ हाउस में, जहां किले की फैमिली होती है। लेकिन लीडर जानता है कि वो कहां है। तब लीडर और डॉक्टर एल्बा दोनों लग जाते हैं एक नए प्लान पर काम करने। आगे क्या हुआ देखिए इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर लैक एरी, सब लोग सेफ हाउस छोड़कर जा रहे होते हैं। सोनिया और ग्रैंडमा आपस में मैंडरिन में बातें कर रही होती हैं। ग्रैंडमा कहती है यह कितना बेहुदा है। सोनिया कहती है लीडर इस हाइड आउट के बारे में जानता है, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। ग्रैंडमा कहती है यह सब किले की गलती है, मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ वो एक मुसीबत है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है, तुम जानती हो। सोनिया कहती है तुम गलत कह रही हो माँ, तुम कुछ नहीं जानती। तब वुल्वरीन किले से पूछता है क्या तुम मैंडरिन जानते हो। किले मना कर देता है, तब तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वुल्वरीन कहता है और पूछता है तुम अपने बारे में क्या कहते हो। किले हम यहाँ एक टीम बना सकते हैं, तुम जानते हो हम कितनी बड़ी गलती कर सकते हैं। किले कहता है तुमने मुझे लड़ते हुए देखा है, मैं ठीक हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए परेशान हूँ। वुल्वरीन कहता है हमारे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यह तुमसे पहले से करते आ रहे हैं। बैनर कहता है लोग हमें जानते हैं हल्क और वुल्वरीन के नाम से। किले की बेटी कहती है और हल्क वरीन को भी। बैनर कहता है तुम सोच सकते हो हम कितना नुकसान कर सकते हैं, और अब हमारे सामने लीडर है जो स्पेशलिस्ट है माइंड को कंट्रोल करने में। किले का बेटा कहता है मेरेडेट मॉन्स्टर नहीं है, वो एक हीरो है। किले अपने बेटे से कहता है ठीक है, इस कार में बैठा हर कोई हीरो है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं। तब किले का बेटा कहता है लेकिन आप कोई मुसीबत नहीं हो राइट। किले कहता है दैट्स राइट। बैनर को देखो, इसको इसका गुस्सा चलाता है, लेकिन कई बार वो बहुत ज्यादा स्मैश करता है। लेकिन लोगन को चलाता है उसका बदला, और पहले मुझे चलाती थी मेरी ड्यूटी, लेकिन अब मुझे चलाता है मेरा प्यार। यह कहकर किले दोनों बच्चों को गले लगा लेता है और कार लेक से बाहर आ जाती है। तभी उनकी कार पर अटैक होता है और उनके सामने एक ह्यूमनॉइड आ जाता है। बैनर, वुल्वरीन और हल्क वुल्वरीन तीनों कार से बाहर आ जाते हैं। बैनर कहता है ये लीडर के ह्यूमनॉइड जैसा लग रहा है, लेकिन उससे काफी बड़ा। वो ह्यूमनॉइड कार पर अटैक करता है, लेकिन हल्क वुल्वरीन कार को उठाकर बचा लेता है। यह देखकर उसके बच्चे काफी खुश होते हैं। हल्क वुल्वरीन अपने क्लॉज निकालकर ह्यूमनॉइड की तरफ बढ़ता है, लेकिन ह्यूमनॉइड ने बैनर और वुल्वरीन को पकड़ लिया था और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। हल्क वुल्वरीन जोर से चिल्लाता है नो, सब कार से बाहर आने लगते हैं। तो हल्क वुल्वरीन वापस कार में बैठने को कहता है। सोनिया कहती है वो सिर्फ दूसरों को चाहते थे। ग्रैंडमा किड्डू को कार में बिठाने लगती है, तो किड्डू पूछता है मिस्टर बैनर का क्या और मिस्टर लोगन का, आपने कहा था इस कार में बैठा हर कोई हीरो है। शैडो बेस रिमोट फैसिलिटी FN-34, डॉक्टर एल्बा और डॉक्टर स्ट्रेन खुशी मना रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने एजेंट एनजी को अभी भी बंदी बना रखा होता है, और लीडर कहता है तुम्हें कम से कम दो बार शर्मिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कार्यकाल में शैडो बेस में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो फेमस था। हम देखते हैं लीडर और डॉक्टर एल्बा ने बैनर और लोगन को एक ट्यूब में कैद कर रखा है। वुल्वरीन कहता है तुमने इससे पहले भी हमें मारने की कोई कोशिश की है, लेकिन तुम हर बार हारे हो। डॉक्टर एल्बा कहती है हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हमारे नैनोबॉट्स तो तुम्हें कुछ देर के लिए परफेक्ट बनाएंगे। फिर दोनों पहले आप खेलते हैं और अंत में दोनों एक साथ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। हल्क और वुल्वरीन दोनों चीखते चिल्लाते हैं। हम देखते हैं हल्क के हाथों में क्लॉज और वुल्वरीन का साइज हल्क जैसा हो चुका है। लीडर कहता है ये दोनों अपना पूरा कंट्रोल खो चुके हैं। डॉक्टर एल्बा कहती है कॉर्टेस सोचता है वो परफेक्ट वेपन है, लेकिन उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए मैं ये कभी नहीं जान पाई कि वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं हैं, जब तक इनके नर्वस सिस्टम से नैनोबोट्स को रिकनेक्ट नहीं करेंगे ये रुकने वाले नहीं हैं। सेंट्रल ओहियो ग्रीन एजेंसी कॉर्प AKA शैडो बेस ऑटो अप WMO फैसिलिटी BX-97। हल्क और वुल्वरीन को वहां टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। दोनों नीचे गिरने लगते हैं, तभी उन पर गोलियों की बरसात होने लगती है। लीडर और डॉक्टर एल्बा दोनों को देख रहे होते हैं। लीडर कहता है उस जगह पर अपना खुद का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है। हल्क और वुल्वरीन दोनों नीचे गिर रहे होते हैं।
और एक धमाके के साथ दोनों नीचे आ जाते हैं। लीडर और एल्बा काफी खुशी से दोनों को देख रहे थे। दोनों बुरी तरह से तबाही मचा रहे होते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। डॉक्टर एल्बा कहती है, आखिरकार मैंने देख ही लिया हल्क वरीन क्या कर सकता है। दोनों ने सारे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। 68 मिनट्स लेटर, नताशा और कैप्टन अमेरिका वहां पहुंच चुके थे। नताशा कहती है, हमें उन हल्क वरीन्स के लिए हैवी हिटर्स जैसे थॉर, स्ट्रेन, कैरोल किसी को बुला लेना चाहिए। तभी वहां एक और धमाका होता है। कैप कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इन्हें खुद रोकना होगा। नताशा कहती है, हमारे पास रेडिएशन सूट नहीं है। तभी सोनिया वहां पहुंच जाती और कहती है, डोंट वरी, ये संभाल लेंगे। कैप कहते हैं, क्ले हम। तभी क्ले बीच में ही बोल पड़ता है और पूछता है, कौन हम, और चला जाता है। इधर हल्क और वुल्वरीन दोनों एक दूसरे को पीट रहे होते हैं कि बीच में एक धमाका होता है और हल्क वरीन वहां आ जाता है। दोनों अपने अपने क्लॉज निकाल लेते हैं और हल्क वरीन से भिड़ जाते हैं, लेकिन वो दो थे और हल्क वरीन एक। वुल्वरीन अपने क्लॉज से अटैक करता है, फिर हल्क एक पंच मारता है और हल्क वरीन नीचे गिर जाता है। डॉक्टर एल्बा और लीडर यह फाइट देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हल्क वरीन कुछ देखता है और हल्क और वुल्वरीन दोनों को धक्का देकर भागने लगता है और एक जंप लगाता है लीडर और एल्बा की तरफ। लीडर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, हम यहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हल्क वरीन अपने क्लॉज को एरो की तरह निकालता है, जिससे लीडर की टेलीपोर्ट डिवाइस टूट जाती है। इस खासियत का डॉक्टर एल्बा को भी पता नहीं होता। हल्क वरीन कहता है, मुझसे मत डरो, डरो उनसे। हल्क और वुल्वरीन भी वहां जंप करके आ चुके होते हैं। तभी एलियाना एक डिवाइस निकालकर उसे पुश करती है और हल्क और वुल्वरीन की बॉडी चेंज होने लगती है और सारे नैनोबॉट्स निकलकर उस डिवाइस में समा जाते हैं। हल्क और वुल्वरीन नीचे पड़े होते हैं। हल्क वरीन कहता है, लाओ ये नैनोबॉट्स मुझे दो। लेकिन एलियाना वे सारे नैनोबॉट्स हल्क वरीन की तरफ छोड़ देती है और कहती है, चलो अब मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट भी हो गया। जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पावर्स दी थी तो तुम्हें स्टडी भी किया था। तुम्हारी एसेंशियल मेमोरी तुम्हें तुम्हारी स्किल और स्ट्रेटेजी के साथ फाइट करने देती हैं, लेकिन अगर उन्हें रोक दें तो तुम कन्फ्यूज हो जाओगे अपने इमोशन से। बाकी का काम नैनोबॉट्स खुद कर लेंगे। हल्क वरीन के दिमाग में उसके इमोशन हावी होने लगते हैं, लेकिन गुड इमोशंस। तब हल्क वरीन कहता है, तुमने नैनोबॉट्स को बैड इमोशन के लिए यूज किया था, लेकिन मेरे गुड इमोशन ने उन्हें मुझ पर हावी नहीं होने दिया और अब वो मेरे हो गए हैं। तुम मेरी मेमोरी को छू भी नहीं सकती और तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकोगी। तब डॉक्टर एल्बा लीडर से पूछती है, तुमने अपनी सारी रिपेयरिंग खत्म कर ली हो तो अब निकले यहां से। और दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कैप और नताशा उनका वेट कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सामने से दो शख्स आ रहे हैं और उनके पीछे है वेपन एच। कैप उनको आवाज देते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। कैप फिर किले को आवाज देते हैं, लेकिन हल्क वरीन सीधा अपनी फैमिली की तरफ जाता है और किले में बदलकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और कहता है, मैं हल्क वरीन हूँ, सिर्फ एक और अकेला। और अपनी वाइफ से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। किले और उसकी फैमिली कार की तरफ बढ़ जाती है। वुल्वरीन और बैनर चाय पी रहे होते हैं। लोगन बैनर से ड्रिंक के लिए पूछता है, बैनर मना कर देता है और लोगन वहां से जाने लगता है। लीडर और डॉक्टर एल्बा को देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये कितना बकवास है। डॉक्टर एल्बा कहती है, अपनी पावर को वेस्ट करना। लीडर कहता है, मैं इन्हें क्रैश करने के लिए और वेट नहीं कर सकता, एक बार और सब खत्म। ओह यस, सैमुअल, यस एलिना, ये कितनी खुशी की बात है कि आखिरकार मैं ऐसे शख्स से मिल ही गई जो मुझे समझता है। लीडर कहता है, सच में ये पागल, ऐसा जीना भी कोई जीना है? सो सिंपल, सो वीक, सो सेंटिमेंटल। और दोनों किस करने लगते हैं। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा और पूरी सीरीज कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।